Good morning students, in our previous video we have studied about how to solve division examples and today we are going to learn our 10th lesson of math and the name of 10th lesson of math is fractions. So students, first of all take out your math workbook and open your workbook page number 132. जैसे कि देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिवीजन के एग्जांपल्स कैसे छुड़ाने हैं इनके बारे में जानकारी ली थी और आज हमें हमारा मैथ का 10वां चैप्टर फ्रैक्शन देखना है। जैसे कि देखो बच्चों, इस लेसन को शुरुआत करने से पहले आपको आपकी मैथ की वर्कबुक निकालनी है और उस वर्कबुक का पेज नंबर 132 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, फ्रैक्शंस, अभी फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? अपूर्णांक, उसको मराठी में कहते हैं अपूर्णांक। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 132 पर आपको कुछ पिक्चर दिए हैं और यहाँ पर आपको सूचना दी है ऑब्जर्व द पिक्चर्स, आपको यह पिक्चर ऑब्जर्व करने हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर टू इक्वल पीसेस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल के टू इक्वल पीसेस यहाँ पर दिए हैं। देन थ्री इक्वल पीसेस ऑफ अ बिस्किट, यहाँ पर देखो बिस्किट के थ्री इक्वल पीसेस यहाँ पर दिए हैं। देन थर्ड पिक्चर में दिया है फोर इक्वल पीसेस ऑफ अ केक, केक के फोर इक्वल पीसेस यहाँ पर कट किए हुए हैं। और बाद में देखो बच्चों, दूसरे नीचे कुछ पिक्चर दिए हैं, उसमें टू अन इक्वल पीसेस ऑफ एन एप्पल, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर दो एप्पल के पीसेस किए, लेकिन वह इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि यह अनइक्वल मतलब सेम है क्या? नो, पहले जो आपको पिक्चर्स दिए थे उसमें हर एक चीज़ के इक्वल पार्ट्स दिए थे। जैसे कि पहले इसमें एप्पल के टू इक्वल पीसेस दिए थे, देन यहाँ पर इक्वल बिस्किट के थ्री इक्वल पीसेस दिए थे और तीसरी फिगर में केक के फोर इक्वल पीसेस दिए थे। जैसे कि देखो बच्चों, और नीचे जो कुछ आपको पिक्चर दिए है उसमें पूरे अनइक्वल ऑब्जेक्ट्स है। जैसे कि पहले इसमें टू अनइक्वल पीसेस ऑफ एप्पल के अनइक्वल पीसेस दिए है, बाद में टू अनइक्वल पीसेस ऑफ अ बिस्किट, बिस्किट के अनइक्वल पीसेस है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ का बिस्किट का जो भाग है यह इक्वल है क्या? नहीं, यह छोटा भाग है और यह बड़ा भाग है, इसीलिए यह इक्वल हुए क्या, सेम हुए क्या? नहीं, यह अनइक्वल हुए। देन फोर अनइक्वल पीसेस ऑफ अ केक, यहाँ पर केक के अनइक्वल पीसेस दिए है। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, छोटे बड़े यहाँ पर केक के कुछ पीसेस किए हुए है। जैसे कि देखो बच्चों, पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन, जो होल पार्ट्स है यहाँ पर इनको फ्रैक्शंस कहा गया है। सेम इक्वल पार्ट जो है उनको फ्रैक्शन कहा गया है। और जैसे कि अभी हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स देखे थे उसी पर आधारित यहाँ पर अभी हमें देखना है कि किस फ्रैक्शन को वन हाफ कहते हैं, किस फ्रैक्शन को वन थर्ड कहते हैं और किस फ्रैक्शन को वन फोर्थ कहना है, यह कंसेप्ट अभी हमें देखने हैं। सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें कंसेप्ट देखनी है वन हाफ। जैसे कि देखो बच्चों, कोई भी चीज़ होती है और उस चीज़ के अगर हम दो सेम पार्ट या इक्वल पार्ट कहते हैं करते हैं तो उसे कहते हैं वन हाफ। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर वन हाफ और हाफ मीन्स वन आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट ऑफ अ होल, हाफ इज रिटन एज वन अपॉन टू। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ के टू इक्वल पार्ट में अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें से जो एक पार्ट होता है उसे कहते हैं वन हाफ। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फिगर दिया है और उस रेक्टेंगल के फिगर के यहाँ पर टू इक्वल पीसेस किए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इसमें से यह वन हाफ हुआ और यहाँ पर पूरा यह जो रेक्टेंगल है इसमें से यह वन हाफ पार्ट हुआ और इधर का वन हाफ पार्ट हुआ। अगर आपको इस फिगर का वन हाफ पार्ट अगर कलर करने को कहते हैं तो आप इसमें से कौन सा भी एक पार्ट कलर कर सकते हो। अगर आपने यह पार्ट कलर किया तो भी चलेगा, नहीं तो यह पार्ट कलर किया तो भी चलेगा, क्योंकि इस पूरे फिगर का यह वन हाफ पार्ट है और यह वन हाफ पार्ट है। वन हाफ का मतलब दो में से आधा, ठीक है। जैसे कि देखो, वन हाफ को रिटर्न कैसे, मतलब रिटर्न में उसको लिखते कैसे है, वन हाफ को वन अपॉन टू, टू में से वन पार्ट, उसे कहते हैं वन हाफ। और वन हाफ लिखते कैसे, वन बाय टू
इसको रीड ऐसे करना है, 1/2 या 1/2। इस प्रकार यहाँ पर 1/2 की कंसेप्ट हमारी क्लियर हो जाती है। देन देखो यहाँ पर एक फिगर दी है और उस फिगर के यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं। जैसे कि देखो बच्चों, इस पूरे फिगर का इधर का जो ए पार्ट है, यह 1/2 पार्ट इस पूरे फिगर का है, और अगर हम इधर का पार्ट देखते हैं राइट साइड का, तो यह पूरे फिगर का यह 1/2 पार्ट होता है। जैसे कि इसमें से कोई भी अगर पार्ट आप लेते हो तो यह 1/2 पार्ट होता है। अगर आपको कलर करने को कहा जाता है 1/2 पार्ट को, तो इसमें से आप कौन सी भी एक पार्ट को कलर कर सकते हो। देन स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो बच्चों, अभी आपको वर्कबुक पेज नंबर 133 निकालना है। अभी फ्रैक्शन में सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों 1/3। अभी 1/3 किसे कहा जाता है, देखो 1/3 मीन्स 1 out of 3 equal part ऑफ अ होल। देखो 3 equal pieces में से एक पार्ट जो होता है उसे कहते हैं 1/3, एंड 1/3 इज रिटर्न एज 1/3। 1/3 को लिखा कैसे जाता है, इस प्रकार 1/3 या 1/3 इसको हम रीड कर सकते हैं या रीड करते हैं। तो 1/3 को लिखते कैसे है, 1/3 मतलब 3 में से एक पार्ट। अभी यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे कि हमारे यहाँ हम क्लास टेस्ट लेते हैं, क्लास में लेते हैं ना, और आपके टीचर जो है बच्चों, जैसे कि देखो अगर आपको 10 में से 5 मार्क्स लिखे, सॉरी 5 मार्क्स मिले, ऑब्टेन किए आपने, तो 10 जो है वह होल नंबर है, उसमें से आपने कितने नंबर मिले आपको, 5 मार्क्स मिले। तो इस प्रकार हम लिखते हैं ना, उसी प्रकार अभी 10 में से आपको 5 मिले, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दी है, जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया है और उस रेक्टेंगल के यहाँ 3 equal pieces किए हुए हैं, इक्वल पार्ट किए हैं 3, जैसे कि 1, 2 और 3। तीनों को अगर आप गौर से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि तीनों भी पार्ट सेम है। मतलब अभी देखो, इस पूरे फिगर का यह 1/3 पार्ट हुआ, देन यह भी 1/3 पार्ट हुआ इस पूरे फिगर का, और यह 1/3। इसमें से आप कौन सा भी एक पार्ट अगर लेते हो, तो वह इस पूरे फिगर का 1/3 पार्ट हुआ, 3 में से 1 पार्ट हुआ। जैसे कि इसको लिखते कैसे है, 1/3, 3 में से 1, ऐसे भी हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं। मतलब 1/3, 3 पीस में से 1 पीस। अगर आपको अगर कहा जाता है कि कलर द 1/3, जैसे कि इस फिगर के 1/3 पार्ट को अगर आपको कलर करने को बोला जाता है, तो इसमें से आप कौन से भी एक पार्ट को ऐसे कलर कर सकते हो। अगर इसी पार्ट को कलर करना है क्या, नो, बिकॉज पूरे इस फिगर के ये तीनों भी पार्ट 1/3 है, इसमें से आप कौन सा भी पार्ट ले सकते हो। जैसे कि अगर हमने ये पार्ट लिया, इसमें से 1, 2, 3, 3 में से 1, जैसे कि अगर हम ये पार्ट लेते हैं, तो बाकी के जो बाकी पार्ट्स कितने, 1, 2, 3, 3 में से 1, और अगर हम ये पार्ट लेते हो इस फिगर का, तो 3 में से 1 मीन्स 1/3 इस प्रकार। ओके, देन देखो बच्चों, अभी थर्ड कंसेप्ट हमें देखनी है, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1, 4 पार्ट में से 1 पार्ट। और यहाँ पर हमने क्या देखा है, 1/3। 1/3 का मतलब 3 पार्ट में से 1 इक्वल पार्ट। ओके, देन देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है 1/4। अभी 1/4 का मतलब क्या होता है, देखो 1/4 मीन्स 1 out of 4 equal parts ऑफ अ होल। पूरे पार्ट में से, पूरे फिगर के पार्ट में से 4 equal parts में से एक पार्ट, उसे कहते हैं 1/4। 1/4 इज also called as quarter। 1/4 को क्वार्टर भी कहा जाता है, और क्वार्टर का स्पेलिंग क्या है बच्चों, Q-U-A-R-T-E-R, quarter। एंड क्वार्टर इज रिटन एज, इस क्वार्टर को या 1/4 को लिखा कैसे जाता है, 1/4, इसे 1/4 भी हम कह सकते हैं। सो इसे रिटर्न कैसे करते हैं, 1/4, 4 में से 1 पार्ट, उसे कहा गया है 1/4। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर 2 figures दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट फिगर है रेक्टेंगल की, देन सर्कल की। ओके, सो देखो बच्चों, यहाँ पर इस रेक्टेंगल के यहाँ पर 4 equal parts किए हुए हैं, जैसे कि 1, अगर यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर डिवाइड करके दिया है, यहाँ पर 4 equal pieces हुए हैं, उनमें से 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स कितने हैं इस फिगर के, 4, उसमें से 1, मतलब इस पूरे फिगर का यह 1/4 पार्ट हुआ। अगर हमें यह पार्ट देखते हैं, तो यह भी पार्ट इस पूरे फिगर का 1/4 हुआ। देन
इस पूरे फिगर का यह एक वन फोर्थ पार्ट होता है और यह भी वन फोर्थ पार्ट हो सकता है, क्योंकि यह पूरे फिगर में से हम कौन सा भी एक पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि यह पूरी फिगर जो है वह फोर इक्वल पीसेस में यहाँ पर डिवाइड की हुई है। देन देखो बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल का फिगर दिया है और उस सर्कल के फिगर को यहाँ पर फोर इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर वन टू थ्री फोर, फोर पीसेस में यहाँ पर इस सर्कल को डिवाइड किया है या उसके फोर इक्वल पीसेस बनाए हुए हैं। उसमें से अगर हम एक को अगर हमें कलर करना, अगर समझो इसमें से वन फोर्थ पार्ट को अगर आपको कलर करना है तो इसमें से कौन सी भी एक पार्ट को आप कलर कर सकते हो, जैसे कि कलर वन फोर्थ या कलर क्वार्टर पार्ट, ऐसे अगर आपको सूचना दी जाए तो यहाँ पर इसमें से आप कौन से भी एक पार्ट को आपको कलर करना है, कौन से भी एक पार्ट को आप कलर कर सकते हो, बिकॉज यह पूरे फोर पार्ट जो है वह इक्वल है और उनमें से आपको एक को कलर करने के लिए बोला है। जैसे कि वन फोर्थ मीन्स फोर में से वन, चारों पार्ट में से एक पार्ट को आपको यहाँ पर कलर करना होता है। सो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन कौन सा मिलता है बच्चों, वन फोर्थ इस प्रकार। तो देखो बच्चों, आज हमने वन हाफ या वन बाय टू, देन वन थर्ड और वन फोर्थ, यह फ्रैक्शंस आज हमने देखे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल दिया है और उस टेबल में पहले दिए हैं फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन दिए हैं, देन उसको लिखते कैसे है और यहाँ पर उसका एक एग्जांपल दिया है। जैसे कि हाफ या वन हाफ मीन्स वन अपॉन टू, टू में से एक, तो यहाँ पर देखो टू में से एक को यहाँ पर आपको कलर करके दिया है। इसको भी आप कलर कर सकते हो या इसको भी कलर कर सकते हो, इसमें से लेकिन एक को ही कलर करना है, बिकॉज हमारा फ्रैक्शन क्या है, वन अपॉन टू, टू में से वन। जैसे कि हमने वह एक क्लास टेस्ट का एग्जांपल लिया था, जैसे कि टेन में से आपको फाइव मार्क्स मिलते हैं तो टेन जो नंबर डिजिट है वह आप नीचे लिखते हो और जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपको जो आप मार्क्स मिले हैं वह ऊपर लिखा जाता है। वैसे जैसे कि हाफ मीन्स टू में से एक पार्ट को यहाँ पर कलर करके दिया है इस प्रकार। देन वन थर्ड, सेकंड हमने देखा था फ्रैक्शन वन थर्ड, वन थर्ड मीन्स वन अपॉन थ्री, इसको रीड कैसे करते हैं, वन अपॉन थ्री। ओके, देन देखो बच्चों, थ्री में से वन मीन्स थ्री में से एक को आपको यहाँ पर कलर करना है, कौन से भी एक को आप कलर कर सकते हो। ओके, देन क्वार्टर या वन फोर्थ, क्वार्टर या वन फोर्थ, यह जो फ्रैक्शन है वह रिटर्न में कैसे लिखते हैं, इसको वन अपॉन फोर, फोर में से वन, उसे कहा गया है वन फोर्थ। यहाँ पर देखो बच्चों, एक रेक्टेंगल के यहाँ पर फोर इक्वल पार्ट दिए है, जैसे कि वन टू थ्री फोर, इसमें से आप कौन से भी एक पार्ट को कलर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्ट को कलर करके दिया है, यह हुआ इस पूरे फिगर का वन फोर्थ पार्ट इस प्रकार। सो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में पहला फ्रैक्शन देखा वन हाफ, वन हाफ को रीड कैसे करते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, और अगर आपको कुछ कोई फिगर दी जाती है तो उसमें से वन हाफ को कलर कैसे करना है, देन वन थर्ड सेकंड फ्रैक्शन देखा और तीसरा फ्रैक्शन देखा हमने वन थर्ड। इस प्रकार हमारा फ्रैक्शन यह लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देन स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 134। जैसे कि देखो बच्चों, इसी फ्रैक्शन पर आधारित यहाँ पर आपको कुछ स्वाध्याय दिया है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर एक फिगर है और उस फिगर में से पार्ट्स कितने हैं उस फिगर के, वन और टू, टू में से वन कलर किया, मतलब आपको लिखना कैसे है, टू में से वन, मतलब आपको यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन मिलता है, वन हाफ। देन देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल के इक्वल पार्ट कितने हैं, वन टू और थ्री, थ्री में से कलर किए वाले कितने हैं, वन, सो थ्री में से वन को कलर किया है, मतलब आपको यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन मिला, वन थर्ड। देन देखो बच्चों, नीचे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर फोर इक्वल पार्ट है, वन टू थ्री फोर, फोर में से यहाँ पर कलर किए हुए कितने हैं, वन, सो फोर में से वन को कलर किया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन कौन सा मिला, वन फोर्थ। ओके, देन कलर हाफ का एक एग्जाम्पल हम लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर कलर हाफ, अभी टू में से एक को आपको कलर करना है, मतलब आप कौन से भी एक पार्ट को यहाँ पर कलर कर सकते हैं। इस प्रकार आपको पेंसिल से या स्केच पेन से कलर करना है, प्रॉपरली कलर करना है। ओके,
देन देखो बच्चों कलर 1/4। अभी देखो बच्चों यहां पर 4 पार्ट में से 1 पार्ट को आपको कलर करना है। सो यह फ्रैक्शन कौन सा बना 1/4। तो यहां पर देखो बच्चों एक फिगर दिया है, उसमें से इक्वल पार्ट देखो कितने 1 2 3 4। 4 में से कलर कितने करने हैं, एक पार्ट को, 1/4 को, मतलब एक को। आप इसमें से कौन से भी एक पार्ट को कलर कर सकते हो। ओके, सो हम इसको कलर करेंगे। सो यहां पर हमें फ्रैक्शन कौन सा मिला, 1/4। देन देखो बच्चों थर्ड एग्जांपल में दिया है कलर 1/3। अभी 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 में से 1। अभी यहां पर देखो बच्चों हर एक फिगर में 3 इक्वल पार्ट दिए, जैसे कि यहां पर ट्रायंगल के 3 इक्वल पार्ट है, देन सर्कल के 3 इक्वल पार्ट करके दिए है, और यहां पर आपको स्क्वायर के 3 इक्वल पार्ट दिए है। इनमें से पहला हम एग्जांपल लेंगे इस ट्रायंगल के 1 पार्ट को, मतलब कलर 1/3, 3 में से 1 को कलर करना है। इसमें से कौन से भी एक पार्ट को आप कलर कर सकते हो। सो ये आपके बीच में जो पार्ट है उसको हम कलर करके लेंगे। सो इस प्रकार आपको यहां पर फ्रैक्शन कौन सा दिया था, 1/3, मतलब 3 में से 1। सो 3 में से एक पार्ट को यहां पर हमने कलर करके लिया है। इस प्रकार आपको आगे के जो एग्जांपल है बच्चों, वह पेज नंबर 135 पर दिए है, वह भी आपको एग्जांपल इसी प्रकार से छुड़ाने हैं। थैंक यू।